तख्ता जम्मू और आपके साथ मैं हूं अदिति तिक्कू। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जम्मू कश्मीर दौरे के बारे में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्र राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संसदीय समिति के साथ सोमवार और मंगलवार को दो दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और साथ में ही प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में जम्मू और श्रीनगर के बीच पूरे साल भर बिना किसी रोक टोक के सड़क कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल से आगे श्रीनगर तक के पहले कॉरिडोर में श्रीनगर से बनिहाल खंड जुड़ेगा। वहीं 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर लंबाई का ये 4-लेन मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें से 210 किलोमीटर मार्ग का काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद श्रीनगर से जम्मू आने जाने में 9 से 10 घंटे का लगने वाला समय घटकर मात्र 4 से 5 घंटे हो जाएगा। वहीं हर मौसम में कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क बनाने के लिए 4,900 करोड़ की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह सुरंग आम जनता और पर्यटकों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बेहद अहम है। इसके पूरा होने पर श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके पूरे साल जुड़े रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि यह परियोजना साल 2026 तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाला 3.5 घंटे का सफर मात्र 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद प्रदेश में इंटर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस तरह की खबरें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।